होप यू ऑल आर गुड वन आई एमर विद्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिकोइंग टू स्टडी अबाउट वट एग्जैक्टली है इंडिया का नाम आता ही वी फील वेरी प्राउड जब अपने देश की बात आती है लेकिन एटीन सेंचुरी में इंडिया ने क्या क्या इंसिडेंट देखे दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर इंडिया seen huge empires एंड किंगडम्स कम एंड गो फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर एक empire आता था दूसरा आता था एक जाता था दूसरा जाता था मतलब बहुत सारे राजा इंडिया में आए रूल ओवर किया वन आफ्टर अनदर डायनेस्टी दैन वी हैव सीन द पीरियड ऑफ मुस्लिम इन्वेशन ऑल्सो विच हैज़ बिन स्टार्टेड इन द मेडिवियल पीरियड इन द इंडियन हिस्ट्री बहुत सारे इन्वेशन हुए बाहर से अटैकर्स आए हमला हुआ हम पे इन्वेड करके गए हमारी प्रॉपर्टीज़ को

तो अब्राहम लोदी का जो रूल ओवर था उनके रूल ओवर से दौलत खान जो थे वो बिल्कुल खुश नहीं थे ही वॉज़ वेरी एंगर्ड तो वट ही डिड ही बिट्रेट द अब्राहम लोदी एंड ही कॉल्ड अप इन्वाइट द बाबर फ्रॉम काबुल अफगानिस्तान जो है ठीक है वहाँ से बाबर को उन्होंने इन्वाइट किया कि यू केम टू इंडिया वी विल हेल्प यू ये सोच के कि दौलत खान जो हैं वो बन जाएंगे एमपर ठीक है उन्होंने अब्राहम लोदी को बिट्रेट कर दिया एंड बाबर ऑल्सो डिसाइडेड कि यस, वी ऑल्सो नीड द सम अनदर प्लेस वाई टू कॉन्क्र ऑलवेज एंड ऑलवेज अगेन एंड अगेन काबुल सो ही ऑल्सो इन्वेडेड द इंडिया एंड वैन ही एंटर टू इंडिया थ्रू द खाइबर पास ही डिफिटेड द अब्राहम लोधी इन द फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत यू कैन से द फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत एंड फ्रॉम देअर द मुगल एम्पायर फाउंडेशन लेट डाउन तो ये था कि मुगल एम्पायर जो है बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद इस्टेब्लिश किया उसके बाद ये जो मुग़ल डायनेस्टी थी इट रूल्ड ओवर अराउंड टू हंड्रेड ईयर्स बाबर देन हुमायूं, आफ्टर दैट अकबर अकबर के बाद जहांगीर देन शाहजहां, एंड देन आपके औरंगजेब सो डिसग्रेशन ऑफ द मुग़ल एम्पायर मुग़ल एम्पायर का एंड कैसे हुआ उसमें बहुत बड़ा हाथ जो था वो औरंगजेब का था बिकॉज ड्यूरिंग द औरंगजेब रीन्स ना डिक्लाइनेशन हैज़ बिन ये डि, डिक्लाइन जो था ये स्टार्टअप हो गया था मुगल एम्पायर का क्योंकि इसके बहुत सारे रीज़न थे नंबर वन जो औरंगजेब था ही इंडल्ज इन द वॉर विद द डक्कन डक्कन जहाँ पर यह मराठाजी पावर थी ना शिवाजी के साथ वो डक्कन को एक्वायर करना चाहता था कम्प्लीटली तो उनके साथ वो वॉर में एंगेज हो गया अब जब वो उनके साथ वॉर में एंगेज हो गया तो इधर जो उसके नोबेल्टी थी जो मनसबदार थे दे वर अनेबल टू कलेक्ट द रेवन्यूज जो जागीर से कि भाई जो टैक्स था उसको कलेक्ट करने में जो है वो सफल नहीं रहे और मोर ओवर दे वर हैविंग देयर ओन प्लानिंग उनकी अपनी ही कुछ प्लानिंग चल रही थी क्योंकि औरंगजेब जो है बहुत लंबे समय से इंटरफेयर नहीं कर रहा था या वहाँ जाता नहीं था नोबेल्टी से मिलता नहीं था वो डक्कन वॉर में ज़्यादा इंगेज था तो जितनी दूर दूर की नोबेल्टी थी मनसबदार थे वो ये सोच रहे थे कि भाई हमने इनको कोई फिजिकल रिसोर्स प्रोवाइड नहीं करना वो जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे वो अपने आप को मजबूत कर रहे थे दे स्ट्रेंथन देयर ओन पावर ताकि दे कैन मेक डेम सेल्फ फ्री फ्रॉम द औरंगजेब कंट्रोल्स आ रही बात समझ में जो औरंगजेब के नोबल्स थे मनसब थे वो अपने आप को जिस जिस एरिया में वो आ, उनको अपॉइंट किया गया था ना उस उस एरिया में वो ये कोशिश कर रहे थे कि जितना भी रिसोर्स वो कलेक्ट कर रहे हैं और औरंगजेब को देना है जो भी टैक्स वो अपने पास रख रहे थे तो फिस्कल और आर्मी दोनों ही सपोर्ट औरंगजेब को नहीं मिल रहा था अपने मनसबदार से क्योंकि उनकी अपनी अलग प्लानिंग चल रही थी हम तो जैसे ही मजबूत हो जाएंगे हम अपने आप को अलग कर देंगे औरंगजेब से तो एक ये बड़ा रीज़न था दूसरा बड़ा रीज़न ये था कि औरंगजेब की खुद की पॉलिसी खुद का थाट प्रोसेस अगर आप देखोगे जो फर्स्ट सिक्स जो औरंगजेब से पहले जो मुग़ल रूलर आए दे वर हैविंग द टॉलरेंस पॉलिसी एंड दे वर हैविंग द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसी थ्रू विच दे कैन इंटरकनेक्ट विद द अदर कम्युनिटी इन द इंडिया बट um, जो आपके ये एम्प्रर औरंगजेब थे वो बिल्कुल ही नैरो माइंडेड थे और उनका क्या था कि उन्होंने इनटॉलरेंस पॉलिसी को अपना रखा था ही वॉज़ नॉट रेडी टू बी अ सेक्युलर इन हिज माइंड मतलब किसी भी जो धर्म के लोग हर धर्म के लोग इंडिया में मिलजुल के नहीं, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे ही हैड इम्पोज द हैवी जजिया टैक्स ऑन द नॉन इस्लामिक पीपल तो ये भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा था तो उनके जो थाट प्रोसेस थे या उनका रूल ओवर करने का जो तरीका था इवन ही हैड एंड फॉलोड द पॉलिसीज विच ही गॉट बाय हिज एल्डर्स बाय हिज़ फादर एंड अदर मुग़ल रूलर्स उसने अपनी ही पॉलिसीज चलानी शुरू कर दी इवन अगर आप देखोगे ना औरंगजेब को तो फर्स्ट सिक्स मुग़ल एम्परर रूल फॉर द टाइम स्पेन ऑफ ऑलमोस्ट टू हंड्रेड ईयर बट इन द फिफ्टी एट ईयर्स ऑफ औरंगजेब्स डेथ देयर वर एट एम्परर्स फोर ऑफ होम वर मर्डर्ड एंड वन वॉज डिपोस्ड तो ये मतलब बड़ी उसने सिचुएशन ऐसी बना रखी थी औरंगजेब ने कि लोगों को समझ नहीं आती थी तो ये भी कारण था कि भाई जो लोग थे वो बिल्कुल भी इससे खुश नहीं थे हर तरफ लड़ाई झगड़ा एंगर क्योंकि वो शेयर ही नहीं करना चाहता था कुछ भी लोगों के साथ सो डैट वॉज द रीज़न डैट मुगल एम्पायर स्टार्टेड टू डिस एंड डिक्लाइन और मुगल एम्पर जब ये इनकी डेथ हुई औरंगजेब औरंगजेब के बाद जो सक्सेसर आए वर नोन एज द लेटर मुगल्स एंड द लेटर मुगल्स वर नॉट सो मच पावरफुल दे वर जस्ट द पपेट इन हैंड्स ऑफ देयर नोबल्स इतने पावरफुल थे ही नहीं देखे वो इतना बड़ा साम्राज्य चला पाए तो जो नोबल्स थे उनके हाथ की कठपुतली बनकर ये रह गए थे नाउ मूविंग टू द पोलिटिकल कंडीशन ऑफ द इंडिया यू नो मुगल एम्पायर वेल नोन फॉर यूनाइटिंग द होल कंट्री बाई मीन्स ऑफ एफिशियंट एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप बाई द ग्रेट मुगल्स हम ये कहते हैं क्योंकि इतने सालों तक शासन करने का मतलब ये है कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ इंडिया में रहती होगी उनको यूनिफाई करके रखा होगा एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वो लेकर आए होंगे तभी जाके वो इतना रूल ओवर कर पाए होंगे इतनी अच्छी पॉलिटिकल सिचुएशन उन्होंने रखी थी बट दिस ग्रेट एम्पायर एंडेड इन 1707 ओ सेवन विद द डेथ ऑफ औरंगजेब अब ये हुआ अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जब ये औरंगजेब की डेथ के बाद जो लेटर मुगल्स आए थे वर नॉट ऑल्सो पावरफुल A successor of Aurangzeb, known as the later Mughals, were mere puppets in the hands of their nobles only. And these nobles aligned with the other powerful person. See, they themselves into the several fractions on the basis of their separate origins. The consequences of such fraction being formed was that every group. वाइड विद ईच अदर फॉर सुप्रमेसी एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेटिंग इट्स ओन पार जितने भी आए वो आपस में ही लड़ रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं कि इतने सालों से ये मुगल डायनेस्टी चली आ रही है तो हम इसको संभाल के रखें उनके में आपस में ही लड़ाई हो रही है कि कौन गद्दी पे बैठेगा कौन पावरफुल है तो कोई भी इसका फायदा उठा लेगा और नोबस तो इसका फायदा उठा ही रहे थे नव सी इन द येलो बॉक्स न्यू रीजन आपको दिए हुए हैं ग्रेजुअली मैनी प्रोविंसेज सीडेड फ्रॉम द एम्पायर द वजीर चिं कलेच खान फ्रॉम द स्टेट ऑफ हैदराबाद और यही होगा जब राजा बेटा स्ट्रांग नहीं होता ना तो राजा के अंदर जितने भी नोबेलिटी होती है ना मंत्री होते हैं या जागीरदार होते हैं जिनको एरिया दी होती हैं अलग अलग कि आप इनको रूल ओवर करो यहाँ से टैक्स कलेक्ट करो उन्होंने क्या किया उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया अलग ही हो गए वो इनसे जिसमें आपका सबसे बड़ा नाम आता है चीन कले खान का उन्होंने हैदराबाद स्टेट बना दिया अपने आपको निज़ाम डिक्लेयर कर दिया डक्कन में देन ईस्ट में देखो गवर्नर मुर्शिद मुर्शीदली खान उन्होंने क्या किया बंगाल और उड़ीसा को होल्ड अप कर दिया जी हम तो मुग़ल के अंडर आते ही नहीं मैं तो इनका खुद का रूलर हूँ देन इन द सेंटर ऑफ द एम्पायर अगर आप देखोगे गवर्नर ऑफ अवध एंड पंजाब दे ऑल्सो बिकेम प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट जी हम भी नहीं हैं हम तो इंडिपेंडेंट राजा हैं मैं पंजाब का राजा हूँ मैं अवध का राजा हूँ Meanwhile, Marathas also initiated their northward नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन मराठाज़ और पावरफुल हो रहे थे तो so, कहने का मतलब ये है जब जब रूलर बेटा कमज़ोर पड़ेगा ना तब तक उस nobility भी उसका साथ छोड़ देती है और यहाँ यही हुआ अब उसके बाद क्या हुआ अटैक हुआ नादिर शाह का ये एक बहुत बड़ा ब्लो था इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे। ये आपके जो नादिर कुली थे वो एक्चुअल द नेम ऑफ नादिर शाह बिकेम द रूलर ऑफ पर्शिया पर्शिया मतलब जो प्रेजेंट डे आपका ईरान है ना बेटा उसे पर्शिया कहते हैं इन 1736 एंड आफ्टर द दिमाइस ऑफ लास्ट पर्शियन सुल्तान ही एज्यूम द टाइटल ऑफ शाह उसने अपने आप को टाइटल दे दिया शाह तो इसलिए क्या बन गया नादिर शाह अब नादिर शाह था उसको भी लग रहा था भैया मुझे अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना है तो उसने कंधार को कॉन्वर्ट किया एंड बिफोर टर्निंग हिज अटेंशन टू इंडिया कंधार को कॉन्क्वर्ट करने के बाद देन ही वॉज वेरी अवेयर अबाउट द दॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द इंडिया उसको ये समझ में आ रहा है इंडिया में ना बड़ी मतलब उथल पुथल चल रही है पॉलिटिकल सिचुएशन में कोई भी स्ट्रांग रूलर नहीं है आपस में ही रूलर्स की लड़ाई हो रही है इनएफिशेंट मुग़ल रूलर्स हैं अगर इस समय इंडिया जाया जाए तो बहुत प्रॉफिट होगा बस उसने इसका फ़ायदा उठाया 1739 में ही अटैक द इंडिया डिफीटेड द मुगल आर्मी एंड इन द बैटल ऑफ करनाल इन फरवरी 1739 पूरा हरा के क्या किया इसने ही मेड द प्रिजनर एंड दिल्ली केम अंडर द कंट्रोल ऑफ नादिर शाह को राजाओं को हराया प्रिजनर बनाया दिल्ली को अपने कंट्रोल में ले लिया दिल्ली की पूरी वेल्थ उसने मैसिव स्केल पे बेटा प्लंडर्ड कर दी उखाड़ के फेंक दी मतलब कि पूरा लूटपाट उसने कर लिया एंड पर्शियन ट्रूप्स लेफ्ट दिल्ली इन मे 1739 थर्टी नाइन बाय कैरिंग वेल्थ अब देखो वो क्या लेके गया था यहाँ से उस समय की मैं बात बता रही हूँ 1739 की उस समय की अगर आप वैल्यू देखोगे 70 करोड़ रुपीस आज का पता नहीं कितना रुपया होगा उस समय की वर्थी 70 करोड़ रुपीस वो यहाँ से लेके गया दिल्ली से एलोंग विद द फैबुलस कोहिनूर डायमंड एंड द प्राइसलेस पिकॉक थ्रोन पिकॉक थ्रोन जो था ना बेटा ये जो मुगल एम्पर शाहजहाँ थे ना उन्होंने बनवाया था और इस पिकॉक थ्रोन पे बेटा बहुत सारे जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं ना डायमंड्स रूबी ये सारे प्रीशियस स्टोन से बना हुआ था बहुत ही महंगा बहुत ही मतलब डिफरेंट किस्म का अपने आप में एक यूनिक पीस था वो भी उठा के वो ले गया और क्यों ले गया ताकि मैं दिखा कि भैया देखो पर्शियन पावर कितनी स्ट्रांग है इतना लूटपाट करके नादिर शाह यहाँ से गया देन दिस द एम्पायर वाइड ओपन टू द थ्रेट टू द इन्वेशन अब अगर नादिर शाह ये लूटपाट कर सकता है तो इट गेव द मैसेज टू द वर्ल्ड कि भैया नॉर्थ वेस्ट के रास्ते से आओ जो आपका प्रेजेंट डे आपका अफगानिस्तान है ना वहाँ से अफगानिस्तान पाकिस्तान जो अब बन गया तब तो वो इंडिया का पार्ट था इन, आ, पाकिस्तान भी इस रास्ते से आओ और आराम से लूटपाट करके वापस निकल जाओ इन द मेन टाइम द हैड एज अ सिग्निफिकेंस पावर इन द कंट्री और उस समय क्या और मराठा अपनी पावर गेन कर रहे थे सो एक्सपेंशन एंड डिक्लाइन ऑफ मराठा पार मराठा बढ़े लेकिन जब वो डिक्लाइन हुए तो उसका भी बड़ा बुरा असर पड़ा इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन पे जब तक छत्रपति शिवाजी थे ना इट इज सेट टू बी द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर के मराठा एम्पायर बनाने वाले छत्रपति शिवाजी थे और उनकी स्ट्रॉन्ग पावरफुल लीडरशिप में मराठास ने एक बहुत बड़ा किंगडम जो है 1646 तक खड़ा कर दिया था बिफोर डैट मराठा चीफ्स वर इन द सर्विस ऑफ बीजापुर सुल्तान इन वेस्टर्न डक्कन अंडर द मुग़ल औरंगजेब द लास्ट टेम्पर मतलब इनसे पहले वो क्या थे बीजापुर सुल्तान के अंडर काम करते थे जो मराठास थे लेकिन शिवाजी के आने के बाद उन्होंने अपना ही एक बड़ा किंगडम बना दिया अब क्या हुआ बाई सिक्सटीन सेवेंटी थ्री शिवाजी हैड स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न महाराष्ट्र अब महाराष्ट्र देखते हो ना आज का प्रेजेंट डे उसके वेस्टर्न पार्ट पे पूरा कंट्रोल इन्होंने कर रखा था 1674 में उन्होंने टाइटल एज्यूम किया जो टाइटल उन्हें मिला दैट इज़ द छत्रपति हमने कहा छत्रपति शिवाजी ठीक है एट हिज मैसेव कॉर्नेशन बहुत भीड़ में मतलब उन्हें ये टाइटल जो है दिया गया ही पास अवे इन सिक्सटीन एटी बहुत कम सालों के लिए रूल हो कर पाए बट नॉट बिफोर ही हैड सक्सीडेड इन सेटिंग अप अ वास्ट मराठा एम्पायर बनाया तो उन्होंने एक मजबूत एम्पायर लेकिन बहुत बड़ा एम्पायर नहीं खड़ा कर पाए थे ही हैड ऑल्सो डेवलप्ड एंड एफिशियंट एडमिनिस्ट्रेशन पावरफुल आर्मी थी उनकी और यूनिक ब्रांड ऑफ स्ट्राइक एंड रिट्रीट वॉरफेयर था उनका वॉरफेयर जो था ना बेटा आज तक फेमस है लड़ाई करने का तरीका वो तरीका कहलाता था गुरिला वॉरफेयर जैसे गुरिल्ला होते हैं ना एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर पे जंप मारते रहते वैसे ये भी पहाड़ों के पीछे बड़े बड़े पत्थरों के पीछे छिपकर अचानक से हमला करते थे दैट इज़ द गुरिल्ला वॉरफेयर आपने अगर तानाजी मूवी देखी है ना तो यू कैन सी द गुर्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स ओके okay? तो ये डेवलप उन्होंने की थी देन आफ्टर शिवाजीज डिमाइस द फैमिली कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया ऐसा ही होता है ना मोस्टली जब स्ट्रॉन्ग रूलर ख़त्म हो जाता है तो पीछे के रूलर जो वीक होते हैं वो नहीं असेंबल कर पाते एक्यूमुलेट नहीं कर पाते और फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया कोई अच्छी लीडरशिप नहीं मिली और दे फोर्स द पेशवाज ऑफ मराठाज एम्पायर टू टेक कंट्रोल ओवर द पार ऑफ द स्टेट पेशवा डायनेस्टी जो थी रीन फ्रॉम सेन टू द दिन पेशवास भी जो हैं वो भी ब्रिटिशर्स के आने के बाद वीकेंड हो गए अब मराठास के जो फेल हुए क्या कारण था उनका फेलियर क्यों हुआ मेन फैक्टर्स बिहाइंड द डिफीट ऑफ मराठा वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये आपको याद रखनी है जो बैटल में इंगेज हुए ना ये बड़ा रीजन था इनके फेलियर का थर्ड बैटल ऑफ पानीपत नंबर वन द फॉल्टी स्ट्रेटजी ऑफ वॉर एडॉप्टेड बाय मराठास गलत तरीके से लड़ाई लड़ी लैक ऑफ solidarity। जब आपने ये देखा कि हम इतने बड़े उसे एम्पायर से लड़ने जा रहे हैं अहमद शाह अब्दाली से तो हमारे पास क्या बड़ी सेना है इंडिया के राजाओं में आपस में यूनिटी नहीं थी बाहर के किसी भी राजा ने अपनी आर्मी के साथ सपोर्ट ही नहीं किया और अहमद शाह अब्दाली को बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा था बहुत बड़ी उसकी नटोरियस आर्मी थी अगर देखा जाए तो इवन इंडियन नोबल्स ने भी उसको सपोर्ट कर दिया ट्रेड कर दिया मराठा उसको तो ये भी एक रीजन था देन अप वाइल द डिफीट एट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत नो डाउट द ह्यूज लॉसेज इन द मनी एंड मैन पावर जब आप इतनी बड़ी आर्मी के साथ लड़ाई लड़ते हो कई दिनों तक तो आपका मैन पावर भी खत्म होता है आपका मनी भी ट्रेशर भी पूरा एमटी हो गया एंड फाइनली द मराठा रूट एट पानीपत एंड लेट टू द डिसंटीग्रेशन ऑफ देयर वन प्राउड एम्पायर में आपस में ही लड़ाई हो गया और ये मराठा छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई यानी कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद मराठास डायनेस्टी का भी एंड हो गया नो राइज ऑफ द न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट मैन आई एम टॉकिंग अबाउट तो बेसिकली इसमें आपका देखा जाए ना जैसे ही सेंट्रल अथॉरिटी जो डेली की थी मुगल एम्पायर के अंदर जब वो फॉल डाउन हुई तो उसके बाद अवध बंगाल मैसूर दे केम मीन टू द एग्जिस्टेंस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ देयर गवर्नर ये सारे के सारे प्रोविंस जो एरिया थी मुगल डायनेस्टी के अंदर थी बेटा लेकिन यहाँ के जो गवर्नर uh, से इन्होंने मुगल्स के खिलाफ बगावत कर दी एंड देन दे डिक्लेयर दैम सेल्फ एज द इंडिपेंडेंट स्टेट So, we are going to discuss about the Awadh Awad, Awad mein, there was a Sadat Khan who was the governor of Awad in 1722. He was very able ruler, capable soldiers, or when he declared himself uh, free from the Mughal dynasty, and Awad is the independent state under the control of Sadat Khan. So, he established well.

Shujau Dola He witnessed the important political changes. But Shujaudola, he was also passed away in 1775. And then this Awad was succeeded by his son. That name was Asuf Uddin Dola. Asuf Dola, you can see. So, that was the story of the Awadh how Awad became the independent state from the Mughal dynasty. Now moving to the another provinces that is Bengal. At the time of Aurangzeb's death, Murshid Quli Khan was in charge of the province of Bengal. उस समय उन्ही को बनारखा था बंगाल का इन्चार. 1717 में क्या हुआ जो emperor थे ना फरुखशाह जो later मुगल्स में गिने जाते हैं. He made him the governor of Bengal. क्या बंगाल के governor हैं जाके governor को अच्छे से rule over करिए. And this was just a face saving decision because in real fact मुर्शिद कुली खान बिहेव एज एन इंडिपेंडेंट रूलर अब फरूख सियार ने तो उन्हें भेजा था एज ए गवर्नर लेकिन वो तो बंगाल में जाके अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दे जी बंगाल तो मेरा है बंगाल का राजा मैं हूँ ये नहीं है फरूख सियार का इस तरीके से वो ट्रीट करने लग गए अब ड्यूरिंग इस टाइम द प्रोविंस प्रॉस्पेर वहाँ जाके वो राजा की तरह रूल ओवर कर रहे थे तो अच्छे से बंगाल को डेवलप कर रहे थे बंगाल प्रॉस्पेर हो रहा था अच्छे से ग्रोथ कर रहा था ट्रेड में

उन्होंने भी अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन किया कुछ इम्प्रूवमेंट की रिस्टोर किया स्टेट को फाइनेंस को आगे बढ़ाया बट बिकॉज ऑफ टू हिज वॉइस पावर स्लिप्ड इन हैंड्स ऑफ एडवाइजर्स क्योंकि ना वो ड्यूअल मतलब कभी इसकी बात सुन रहे हैं कभी उसकी बात सुन रहे हैं तो धीरे धीरे पावर चली गई उनके एडवाइजर्स के हाथ में आलमचंद हाजी अहमद एंड जगत सेठ जगत सेठ दे एक्ट एज ए बैंकर जो नहीं प्रोवाइड करते रहते हैं पैसा टाइम टू टाइम ऐसे थे तो शुजाउद्दीन पास अवे इन 1739 थर्टी नाइन एंड इज सन दैट वॉज द सरफराज खान बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ बंगाल अब क्या हुआ सरफराज खान जब आए तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया एंड अल्टीमेटली क्या हुआ ब्रदर ऑफ हाजी अहमद अली वर्दी खान ये जो अली वर्दी खान थे ना हाजी अहमद के भाई अली वर्दी खान He became the deputy governor of Bengal and occupied the seat of Bengal in 1740. And Sir Fraz Khan was defeated, even murdered in the battle. Or fir Ali Vardi Khan Ali Vardi Khan he was very able administrator, but he passed away in 1756 and was succeeded by his grandson that was Siraju Dola. जस्ट एज इज ग्रैंड फादर है टॉट हेम सराजुदौला बिगिन टू सप्रेस हिज एनिमीज़ वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने ये सोचा पहले जो मेरे छोटे छोटे दुश्मन है ना इनको जरा भगाऊँ तो उन्होंने उनको जो है सप्रेस करना शुरू कर दिया एंड देन ही रूल्ड फॉर अ लिटल ओवर वन ईयर एंड इन दैट पीरियड ही हैड टू डील विद द एनिमीज फ्राम विद इन द फैमिली एंड फ्राम आउटसाइड एज वेल मतलब अलीवरदी खान को घर के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट सामना करना पड़ा और बाहर भी बहुत सारी लड़ाइयों को झेलना पड़ा एक साल के रूल ओवर में इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोविंस पे जो जिसने अपने आप को डिकलेयर किया इंडिपेंडेंट दैट इज़ हैदराबाद द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद इन डक्कन वॉज फाउंडेड बाई हमने पहले भी पढ़ा था चिन क्लिप्च खान नौ

इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया पावर आ गई हाथ में भैया छह स्टेट है मैं खुद ही बन जाता हूँ राजा लेकिन इन्हें मुगल से जो है लड़ाई फेस करनी पड़ी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ पेशवा बाजी राव फर्स्ट उन्होंने बहुत तगड़ा इन्हें जो है झटका दिया था पेशवा बाजी राव फर्स्ट में द तो मराठाज वर डिटरमाइन टू कलेक्ट द टैक्स एज चौथ एंड सर मुख ये दो तरीके के टैक्स लेते थे मराठास उन सिक्स स्टेट से अब जब ये निजाम बन गए इन्होंने कहा जी टैक्स तो मैं लूंगा तो लड़ाई तो होनी थी इनमें आपस में लड़ाई हो गई एंड ही अटेम्प्टेड टू द मराठास एंड टू टू इट वॉर्स विद वैम इसने सोचा मराठास में आपस में लड़ाई करवा देता हूँ और मैं एरिया ले लेकिन ही ही अवे इन सेट टू बी द मोस्ट एलिजिबल रूलर ऑफ द एंड द वन ऑफ द रिस्पांसिबल फॉर लेइंग डाउन द फर्म फाउंडेशन ऑफ आसफ जाही डायनेस्टी तो एक तरीके से कह सकते हैं जितना एरिया चिनकलेज खान के अंदर था उन्होंने बड़े अच्छे से कंट्रोल किया और अपने एरिया को अपनी डायनेस्टी का नाम दिया डेट इज़ द आसफ जाही डायनेस्टी आफ्टर हिज डेथ कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गई भाई विच वॉज फॉलोड बाई कॉमन स्ट्रगल ऑफ द थ्रोन हमेशा से यही है कौन बैठेगा गद्दी पे क्योंकि उन्होंने तो दिया नहीं था किसी को गद्दी बाय दिस टाइम द फॉरन पावर जो ब्रिटिशर्स थे फ्रेंच थे वो इंडिया में आ चुके थे तो फायदा कौन उठाएगा ये फॉरेन पावर उठाएंगी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का फायदा अभी क्या हुआ द इंटरवेंशन ऑफ द मराठास इन द पॉलिटिक्स ऑफ डकान राइज ऑफ द स्टेट ऑफ मैसूर अंडर हैदर अली क्रिएटेड द फर्दर इंप्लीकेशन फॉर द रूलर ऑफ हैदराबाद एक तरफ से मैसूर पावर में बढ़ रहा था दूसरी तरफ से मराठास पावर में बढ़ रहे थे तो बहुत सारी लड़ाइयाँ थीं इधर सक्सेशन की लड़ाई भी थी हैदराबाद में कौन गद्दी पर बैठने वाला है निजाम द फोर सन ऑफ द फर्स्ट निज़ाम इवेंचुअली असेंडेड द थ्रोन इन 1763, 15 इयर्स आफ्टर हिज फादर डेथ मतलब इतनी लड़ाइयाँ लड़ी पापा की डेथ के पंद्रह साल बाद जाकर उन्हें गद्दी मिली

during the 18th century the empire was ruled by the chikka krishna raj but two of his ministers nandaraj and devaraj absolved the power and reducing him to the sheer puppet so mysore was also involved in a number of war with the adjacent state in which an army commander named Hyderali. ali डे बाय डे आसपास के राजाओं से लड़ाई होती रहती है कंटेम्प्ररी रूलर से तो उसमें क्या हुआ जो उनके कमांडर इन चीफ थे हैदर अली उन्होंने जो है टोटल कब्जा किया सरफेस सक्सेसफुल सोल्जर 1761 में उनकी डेथ के बाद जो था किन की डेथ के बाद आई एम टॉकिंग अबाउट द नंजराज ही सेट अप हिज अथॉरिटी ओवर द किंगडम एंड बिकेम द सुल्तान हिप्रूव टू बी वेरी कैपेबल रूलर एंड रीऑर्गेनाइज द मैसूर आर्मी ट्रेंड किया अच्छे से यूरोपियन लाइन पर ट्रेंड किया बहुत कम पीरियड में जो है, हैदर अली ने एक पावरफुल आर्मी तैयार कर ली थी मैसूर के लिए एंड देन ही एक्सपेंडेड द टेरिटरी ऑफ मैसूर बट ही हैड टू कॉन्टेस्ट विद द मराठा एंड द निज़ाम एक तरफ मराठा है एक तरफ निज़ाम है, हैदराबाद के तो एक्सपेंशन उतना ज़्यादा नहीं हो पाया आफ्टर इज डेथ द मैसूर केम अंडर द टीपू सुल्तान हु वॉज द सन ऑफ हैदर अली टीपू सुल्तान जो हैं ही वॉज बॉर्न एज ए फाइटर लाइक हिज फादर वॉज अ ग्रेट फाइटर बट नॉट अ गुड डिप्लोमैट ही introduced सेवरल रिफॉर्म्स टू द टू westernize his आर्मी मेड अ मॉडर्न नेवी भाई मॉडर्न नेवी भी बना ली फ्रेंच ट्रूप से उन्होंने जो है पूरा का पूरा सीखा भी उन्होंने ही सेंड द ट्रेड मिशन टू द सेवरल कंट्रीज ऑफ वेस्ट एशिया एंड यूरोप इवन उन्होंने यूनिफॉर्म कॉनेज सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था और न्यू कैलेंडर को भी ही टुक सेवरल रिफॉर्म्स टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ मैसूर तो इकोनॉमिक मेजर अगर देखा जाए तो ग्रेट प्रोग्रेस उन्होंने की थी बट कहते ना डिप्लोमेटिक रिलेशन वो नहीं बना पाए थे हालांकि उनके टाइम पर मैसूर बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा था प्रोग्रेस कर रहा था बट वॉज फाइटिंग द फोर्थ एंग्लो मैसूरवार अंग्रेजों के साथ लड़ाई करते करते जब फोर्थ लड़ाई उन्होंने लड़ी तो 1799 में उनकी डेथ हो गई अब बात करते हैं इकोनॉमिक कंडीशन की तो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द बल्क ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया एट दैट टाइम वॉज एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में एंगेज करते थे वाइल द मेन इनकम ऑफ द स्टेट वॉज लैंड रेवेन्यू और राजाओं की इनकम भी जो होती थी वो लैंड रेवेन्यू से ही होती थी रेवेन्यू मीन्स यहाँ पे टैक्स है द पीजें यानी कि पुअर फार्मर उनपे इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता था कि भाई वो टैक्स दे वर अनेबल टू पे द टैक्स एंड इन द एबसेंस ऑफ यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम कभी कोई राजा कुछ टैक्स लगा रहा है कभी कोई टैक्स लगा रहा है कोई यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम नहीं था बट दे डिड नॉट गेट एनी क्लिमेसी और रिलीफ फ्राम द स्टेट इन केस ऑफ एनी नेचुरल क्लेमिटी कभी बाढ़ आ गई अर्थक्वेक आ गया सूखा पड़ गया ड्रॉट आ गया कभी भी किसी नेचुरल क्लैमिटी ने किसी राजा ने उनको जो है रिलीफ नहीं दिया तो उनकी कंडीशन डे बाई डे वर्स्ट हो रही थी मीन्स ऑफ कल्टिवेशन जो था वो पुराना जो ओल्ड सेंचुरी है वो है कोई रिफॉर्म नहीं कर रहा उस पर नी द द पीजेंट नॉट द स्टेट टू किनिशिएटिव टू इंट्रोड्यूस एनी न्यू टेक्नोलॉजी एनी न्यू रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर तो भैया करना पुराने तरीके से ही काम है तो कहाँ से आउटपुट आएगा है ना अगर आप स्टेट देखोगे आवध हो गया बंगाल हो गया प्रोग्रेसिव रूलर थे तो उन्होंने कुछ स्टेप्स जो हैं इंट्रोड्यूस किए थे फॉर प्रजेंटरी क्लास फॉर एग्रीकल्चर टू गेट सम मोर आउटपुट ट्रेड और कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं तो एटीन सेंचुरी में ट्रेड अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ट्रेड तेजी से बढ़ रहा था ईस्टर्न और वेस्टर्न कोर्स से जो इंडिया का आउटपुट था अगर आप देखोगे ना ट्रेडिंग हमारा कॉन्टैक्ट बढ़ता जा रहा था यूरोपियन ट्रेडर्स के साथ रूलर्स जो थे इंडियन स्टेट के दे डिड नॉट डू एनी थिंग टू डिस्करेज द इंग्लिश मतलब उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि इंग्लिश और फ्रेंच जो हैं इंडिया में आते जा रहे हैं तो दे वर हैप्पी उन्हें इंडियन मर्चेंट को इनक्रेज करना चाहिए था ना और इन्हें डिस्करेज करना चाहिए था बट दे स्टार्टेड टू गिव दम द फ्रीडम और फ्रीडम दोगे तो भैया बल्क ऑफ अमाउंट ऑफ थिंग्स दे वर टेकिंग कितना भी टैक्स लगा रहे हैं नहीं दे रहे हैं अपनी मनमानी कहते हैं धीरे धीरे मोनोपोली वो कं जो है गेन करने लग गए ब्रिटिशर्स सो टेक्सटाइल हो गया रॉ सिल्क हो गया स्पाइसेस ओपियम ये मेन आइटम थे एक्सपोर्ट के मुगल एम्पायर जैसे जैसे डिक्लाइन होता गया वैसे वैसे जब लोकल रूलर्स में आपस में लड़ाई होगी, तो उसका बेनिफिट जो है ब्रिटिशर्स ने उठाया पॉलिटिकल डोमिनेशन उन्होंने प्रूव करके दिखाया और हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस की सो डेट्स एंड फॉर द चैप्टर लेट्स डू द क्विक रिविजन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द चैप्टर नंबर वन सक्सेसर ऑफ ऑरें फॉर नोन एज लेटर मुगल्स और लेटर मुगल्स जो थे स्पेशली हम बहादुर शाह जफ़र देख लो जहांदार शाह देख लो फरूख सियाार और मोहम्मद शाह यहाँ पे फिर चिंद कोले खान जो थे आपके कैपेबल वज़ीर थे फेमस जनरल थे औरंगजेब के ही फाउंडेड द हैदराबाद सिटी इन दैवेंटीन ट्वेंटी फोर इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था नादिर शाह ने इंडिया पे अटैक किया और बहुत ज़्यादा प्लंडर करके गया इंडियन वेल्थ को मराठास पावर पेशवा के अंदर आई तो एटीन सेंचुरी में आफ्टर शिवाजी डेथ और फिर कुछ समय तक इन्होंने नोटेबली अपने आप को एक्सपेंड किया बट बाद में पेशवा बाजीराव फर्स्ट के बाद इनकी भी पावर डिस होती रही आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत मुर्शिद कुली खान दीवान ऑफ औरंगजेब थे जिन्हें बंगाल का दीवान बना के भेजा गया था ही ऑल्सो डिक्लेयड हिमसेल्फ एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट देन सादत खान ही ऑल्सो डिक्लेय हिमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट स्टेट इन अवध उन्होंने अवध को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया हाई रेट ऑफ टैक्सेस वर बर्डन टू सो देट एंड फॉर द चैप्टर आई होप यू अंडरस्टैंड इज इन एवरी टॉपिक प्लीज ड्यू द एक्सरसाइज केयरफुल